नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल न्यूज़ चैनल पर। फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक और नौकरी की जानकारी लेकर। ये नौकरी है सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से मैं देती हूँ इस चैनल पर आपको हर एक वो जानकारी, हर एक वो खबर जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, साथ ही आपके फ़ायदे से जुड़ी हर खबर मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ सबसे पहले हर रोज़। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक वैकेंसी की जानकारी लेकर। 10वीं पास के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। सैलरी होगी 81,000 पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन भर्ती है इस तरह की नौकरी के लिए। इंतज़ार करते हैं, पुलिस में ये भर्ती हो रही है, कांस्टेबल की भर्ती हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे भाई मैं बार बार यही बता रही हूँ कि नौकरी है, अच्छी नौकरी है, बेहतरीन नौकरी है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, कैसे मिलेगी आपको ये नौकरी और कैसे इसका सिलेक्शन होगा, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी मैं। ज़रूर ठहरिए जनाब, सब कुछ पता चलेगा, आपको सब्र रखिए, सब कुछ मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं कहूंगी वही बात जो मैं हर बार कहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बी रियल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इस इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो एक बेहतरीन चैनल है जिस पर मिलती है आपको हर एक वो जानकारी, हर एक वो खबर जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। CISF ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत हेड कांस्टेबल के 300 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन की जो प्रक्रिया है ऑफलाइन होगी, यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, फॉर्म जो है वो ऑफलाइन भरना है। ज़्यादा जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स यानी CISF ने हेड कांस्टेबल के पदों पर ये आवेदन किए हैं। CISF में स्पोर्ट्स कोटा के तहत भरे जाएंगे, ये स्पोर्ट्स कोटा है, स्पोर्ट्स कोटे वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। कुल 300 वैकेंसीज हैं इस भर्ती के लिए, उनको भरा जाएगा। और बता दें आपको कि इन पदों के लिए आवेदन जो है 17 दिसंबर 2019 तक किया जा सकता है। लास्ट डेट है 17 दिसंबर 2019, तो ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं अभी इसी वक्त। इन पदों के लिए आवेदन CISF के ऑफिस में भेजना होगा। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध है और इसे भरने का तरीका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। इसका डायरेक्ट लिंक हम आपको नीचे दे रहे हैं। आवेदक को नोटिफिकेशन में दिए गए किसी एक स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए आपको ट्रायल लिया जाएगा। जरूरी शैक्षिक योग्यता के अलावा आवेदक के पास यूनिवर्सिटी, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित खेल में मेडल होना चाहिए और जो एज है वो 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले महानिरीक्षकों के पास आवेदन पत्र 17 दिसंबर 2019 शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, जबकि नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए आवेदन पत्र पहुंचने की जो अंतिम तारीख है वो है 24 दिसंबर 2019 शाम 5 बजे तक। अब आप सोच रहे होंगे भाई मैंने बोला आपको फॉर्म तो ऑफलाइन भरना है, पोस्ट ऑफिस से, स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है, लेकिन फॉर्म मिलेगा कहाँ से? तो फॉर्म आपको मिलेगा वेबसाइट से, और वेबसाइट लिंक मैं आपको दे रही हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप फॉर्म ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस भर्ती के बारे में या अन्य किसी भर्ती के बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसी तरह की जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी बी रियल न्यूज़ चैनल पर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।